अच्छा, अभी हम लोग इसको सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फिर से एक बार आप लोग मुझे क्वेश्चन जरा रिपीट कर दो। यहाँ पे रोहित है, उदय की जगह पे यहाँ पे रोहित है। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, इस टाइम पे कितना है? 18,000। और 3 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, उस टाइम पे एनएवी कितनी है? 75.1092। और उस टाइम पे एंट्री लिमिट कितना था? 2.25। इस टाइम पे भी 2.25। अच्छा, अब ही सोल्ड ऑल द यूनिट 17 सितंबर तक, उसने क्या किया? बेच दिया। अच्छा, व्हेन एनएवी इज 97.25, तो उस समय पे एनएवी 97.2516 था विदाउट एग्जिट लोड। उस टाइम पे कोई एग्जिट लोड था, एंट्री लोड है। एंट्री लोड कितना है? 2.25%, लेकिन एग्जिट लोड नहीं है, बरोबर। अच्छा, फाइंड हिज टोटल गेन। दो चीज फाइंड करना है, टोटल गेन और रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल गेन कैसे आएगा? आप करंट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रीवियस इन्वेस्टमेंट माइनस करंट माइनस करोगे तो गेन आ जाएगा। और रेट ऑफ रिटर्न निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, रिडक्शन एनएवी अपॉन परचेस एनएवी अपॉन परचेस इनटू 100, तो वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कहाँ से करें? पहले बार हमारे पास यूनिट होना चाहिए, हमें यूनिट चाहिए। अब यूनिट कहाँ से आएगा? परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑन कितने तारीख को? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को मैं 1 यूनिट कितने में खरीद पा रहा हूँ? देखो, हाँ, 17 पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा 17 पॉइंट। अच्छा, प्लस मुझे एंट्री लोड भी देना पड़ेगा ना, 2.25% इस अमाउंट का। तो 2.25% ऑफ ये अमाउंट का 2.25%। इस आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद एक अमाउंट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? वो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.10692 प्लस 1.62 आ जाएगा। आप फिर इसको भी ऐड करोगे, ये आ जाएगा बरोबर 76.7992, ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, अब ये आने के बाद नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेस प्राइस। इन्वेस्टमेंट कितना था? 18,000 का, तो यहाँ पे 18,000 डाल दो। 18,000 अपॉन 1 यूनिट को कितने में खरीद पा रहे थे? इतने में 17.7992 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? कितना यूनिट आएगा आपके पास? हाँ, 234.77377, ठीक है, 377 यूनिट। 18,000 में आप कितना यूनिट करें? अच्छा, आप 18,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हो कितना आ रहा है? आप इन्वेस्टमेंट तो 18,000 कर रहे हो ना, लेकिन एक्चुअल में आपका म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, कितना है यहाँ पे? 3 अप्रैल लिखता हूँ, 3 अप्रैल आप कितना यूनिट खरीद पा रहे हो? 234.377। और एनएवी ऑन 3 अप्रैल इंटू एनएवी ऑन 23rd अप्रैल, तो बात समझ में आ रही है आपको? 3 अप्रैल का एनएवी कितनी थी? 79.2 था। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आपका हो कितना रहा है? अच्छा, इस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एनएवी, आ जाएगा उस टाइम का 17 सितंबर। इसका एनएवी निकालने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। तो टोटल गेन कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा,
अच्छा ये निकालने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया 18,000 किया। अब हम लोग किसका निकाल लेते, 17 सितंबर का निकालते। देखो आप कंफ्यूज हो ना हो, इसीलिए अच्छा 17 सितंबर को आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इतना यूनिट खरीदा था और उस टाइम का एनएवी कितना था, 97.2516 था। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 22,793.9594। आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। हाँ 2 मिनट बस ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। अच्छा आपका टोटल गेन कितना हो गया, ए टोटल गेन कितना हुआ आपका, इन्वेस्टमेंट आपने 18,000 किया था लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ के इतना हो गया, मतलब टोटल गेन कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस 18,000 कर दोगे तो आपको आ जाएगा आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप प्रॉफिट इसका प्रॉफिट अगर निकालोगे तो प्रॉफिट आपको आ जाएगा 4,700 बरोबर, टोटल गेन आ गया। अब एक और चीज रह गया है रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हो आप लोग, रेट ऑफ रिटर्न आप निकालते हो रिडक्शन एनएवी, एनएवी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, आर फॉर रिडक्शन एनएवी, या एनएवी ऑन, एनएवी ऑन, एनएवी ऑन 17 सितंबर माइनस एनएवी ऑफ 3 अप्रैल अपॉन एनएवी ऑन थर्ड अप्रैल इनटू, देखो इनटू 100 भी होता था, जगह नहीं है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। एनएवी ऑन सितंबर कितना था आपका, 97 था, 97.2516 इनटू माइनस आपका उस टाइम पे कितना था, 75.1092 अपॉन 75.1092 इनटू 100। अच्छा आप इसको अगर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 26.63। अच्छा एक और बात समझ लो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था तो मैंने कॉपी करके लिखा, आप कैलकुलेट करके लिखोगे तो आ जाएगा, बरोबर। एक बार फिर से समझ लो, चाहिए तो ये वाला भूल जाओ, ठीक है, ये स्टेप भी भूल जाओ। देखो उदय ने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, हाँ एक सर्टेन डेट को 3 अप्रैल को किया था, उस टाइम पे एनएवी इतनी चल रही थी, इंटरलूड भी था उस समय पे। अब उसने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 18,000 इन्वेस्ट किया तो उस टाइम पे उसको 1 यूनिट कितना का पड़ रहा था, 75 रुपये उस टाइम का एनएवी था, लेकिन उसको 2.25% भी देना पड़ रहा था उसका ना, इसको ब्रोकरेज जैसा ही समझो, तो उसको 2.25% इसका 1.62 आता है रुपीज एड हुआ, तो आपको 1 यूनिट कितने में पड़ रहा है, 76 में पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो म्यूचुअल फंड में कितना था, 75 रुपये का था, यहाँ पे कितना 76 रुपये का पड़ रहा है, बरोबर 1.5 रुपये का फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा अब नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन अपना परचेस प्राइस, परचेस प्राइस कितना पड़ रहा है, 76 का पड़ रहा है, डिवाइड करूंगा तो मुझे इतना यूनिट आएगा, बरोबर। अच्छा मैंने 18,000 इन्वेस्टमेंट किया था,
ठीक है 3 अप्रैल को, और फिर 17 अप्रैल आते आते मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 22,000 हो गया, क्योंकि उस टाइम पे एनएवी ये चल रहा था, इसलिए मैंने नंबर नंबर ऑफ यूनिट में इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया उस टाइम का ना 17 सितंबर का आ गया बरूबर 17 सितंबर को इतना। अच्छा तो गेन कितना हुआ मेरा, एक्चुअली मुझे मिला कितना, तो गेन के लिए मैंने माइनस 18,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अच्छा प्रीवियसली जो मैं आपको बोल रहा था वो मैं आपको बोल रहा था कि थर्ड का, लेकिन थर्ड का क्यों नहीं करेंगे, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो अपना 18,000 है ना, इसलिए हम 18 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हमें टोटल गेन भी गेन तो हमें इतना ही हुआ बरोबर। अच्छा फिर इस तरह रेट ऑफ रिटर्न था जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, एनएवी ऑन 17 सितंबर माइनस परचेस एनएवी अपॉन परचेस एनएवी इनटू 100, फिर ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, ठीक है पॉज कर दो। अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम दिया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। आप इसको आपने मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट दो तीन लोगों का आंसर आया है, ठीक है, जो बीच में है उनका भी आंसर आ जाएगा, तब तक हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, टोस्टी इन्वेस्टेड 25,000 म्यूचुअल फंड, इसने 25 इन्वेस्ट किया है, कितने तारीख को किया है 17 मार्च, लास्ट बेंच खड़े, कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने तारीख को किया है, और उस टाइम पे एनएवी कितनी है, और एंट्री लोड है उस समय कितना है, ठीक है। अच्छा ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट 17 अगस्त तक आते आते उसने बेच दिया, उस टाइम पे एनएवी कितना था 72.5 विदाउट एग्जिट लोड। अच्छा अगर कुछ एग्जिट लोड दिया होता तो हमें एग्जिट लोड भी कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते, मालूम है 2% दिया होता तो हमें ये वाले अमाउंट का 2% ऐड करते बेचते समय, ठीक है, जैसे ब्रोकरेज में करते थे वैसे। फाइंड हिज टोटल गेन और रेट ऑफ रिटर्न, सेम क्वेश्चन था। तो अब ये बता दो, सबसे पहले 60 रुपए में तो खरीद रहे हम लोग, प्लस 60 का 2% भी देना पड़ेगा बरोबर, 60 प्लस इसका मुझे कितना 2.25% तो ये कितना आने वाला है फाइनल अमाउंट बता मेरे को 62.162 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये अमाउंट के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 25,000 आ गया यहाँ पे, अपॉन एक यूनिट का प्राइस कितना था 62.168, डिवाइड करके कितना यूनिट आएगा आपको 202136, ठीक है 1212, ठीक है यूनिट्स। अच्छा अभी आप अपना देखो, इतना यूनिट खरीदा है, आपको गेन निकालना है, अब गेन कितना 17 अगस्त को आपने बेचा है ना, जब आप बेच रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, वरना बेचते समय भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता ना, फिर आप वो माइनस करके आप अपना निकालते। अच्छा अब यहाँ पे 17 अगस्त को आपने कितना यूनिट, आपके पास कितना यूनिट है 202.136112। अच्छा और एक यूनिट का प्राइस कितना है आपका 72.5, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 2915.87015। अब इसके बाद आप इसको माइनस कर दो जो भी अमाउंट आया है 2915.87015 माइनस 25,000। अच्छा
25,000 माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपको? 4,154.87 ठीक है, इतना आ जाएगा गेन। रेट ऑफ रिटर्न भी सेम निकालना है आपको, तो आपका 17 अगस्त और स्टार्टिंग डेट क्या था आपका? 16 मार्च। अब ये आपका कितना है? 72.5 60.8 upon 60.8। अच्छा, इसका अब ये कितना आ जाता है आपका रेट ऑफ रिटर्न? 16.62 ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन था। अभी हमारे एक टाइप का और बाकी है जिसके अंदर आपको डिविडेंड मिलेगा और एग्जिट रूट भी हो सकता है उस समय आपको एग्जिट। अच्छा जरा ये बात प्रद्युम जरा यहाँ पे गौर करो। अगर मान लो देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, विदाउट एग्जिट नोट बोला है ना। अगर वो बोलता कि आपको 2% एग्जिट नोट देना है, 2% एग्जिट नोट देना है, तो आप ये वाले एनएवी पे ये है 2% का अगर माइनस करते, समझ रहे हो, ये 72.5 माइनस करते आप उसका 2%, बरोबर बरोबर माइनस करते। माइनस करने के बाद अगर मान लो ये आपको आ गया 70 रुपए आ गया, ठीक है, तो आप जब एक जब इतना यूनिट बेचते तो कितने में बेचते? 70 रुपए में बेचते, ठीक है, उस टाइम के एनएवी में। फिर उसी तरह से सारे कैलकुलेशन एज इट इज। बस यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड ऐड होगा। अभी आप डिविडेंड अगर इसके अंदर मैंने डिविडेंड भी दिया होता तो डिविडेंड ऐड होता इसके अंदर, टोटल गेन में ऐड होता, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। ठीक, फर्स्ट